10 साल से मैं एक बच्चा को ढूंढ रहा हूँ उसे एक बार मिलने के लिए, उसको एक बार देखने के लिए, लेकिन कभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं उसे एक बार ज़िंदगी में कभी ना कभी उसे एक बार मिलने का, मतलब ख्वाहिश है मेरा। 10 साल पहले हम चेन्नई की कुंडुतुर में रहते थे, उधर का जो जिस घर में हम रहते थे उसका घर का ओनर जो थे वो बहुत अच्छे थे। वो उनका नाम सतीश है, उनका मिसेस का नाम वाणी और उनका 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मेरा जो फेवरेट है वो उसका नाम अर्जुन है, उनका बेटी का नाम लोकदर्शिनी। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था मुझसे और मैं भी। वो तमिल में बात करता था लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, और मैं हिंदी में बात करती थी उसे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी दिन भर वो मेरे साथ ही खेलता था, मेरे पास ही रहता था। जब भी उसको खाना खाना होता था उसका मम्मी डैडी आते थे, उसको खींच के लेके जाते थे, फिर भी वो नहीं जाता था। थोड़ा खाना खाता था फिर भी आ जाता था। रात को जब उसके डैडी जाते थे ड्यूटी, वो रात को 10 बजे उसके मम्मी वो बच्चा मेरे पास लेके आते थे, मतलब उसको थोड़ा संभालो, मेरा बच्चा रो रहा है डैडी के साथ जाने के लिए, तुम्हारे पास रहेगा तो चुप हो जाएगा। वो रात को 10 बजे मेरे पास साइलेंट होकर बैठता था। उसका डैडी ड्यूटी जाते थे, उसके बाद उसका मम्मी आती थी उसको लेने के लिए, तब भी वो नहीं जाता था, मतलब खींचते थे रात बहुत हो गया घर चलो, वो नहीं जाता था। एक दिन ऐसा क्या हुआ, उसका मम्मी मेरे पास अर्जुन को छोड़ के स्कूल को गई थी, उनका बेटी के स्कूल को गई थी। अर्जुन मेरे साथ खेल रहा था, वो खेल खेल के बोर होने के बाद बोला मुझे घर जाना है। मैं उसको छोड़ने के लिए जा रही थी, वो उनका एक एक स्टेप चढ़ रहा था, मुझे बाय बाय कर रहा था, उनके घर के अंदर अंदर जा रहा था। इसे बाय करते करते मुझे देखते देखते उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। गिरने के बाद उसको जोर की चोट लगी, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा। मैं रो रो के दौड़ के जाके उसको उठाने लगी। उनका जो मालकिन थी, मालकिन का जो नानी थी वो उस घर पर रहती थी, मतलब उनका घर इनका घर आजू बाजू में थे, वो आते जाते रहती थी। मैं वो दौड़ के आ गई, वो देखा तो बच्चा मेरे गोद में थी। मैं उसको समझा, वो रोने लगा देख के उसका ब्लीडिंग, वो अर्जुन रो रहा था मैं रो रही थी, वो देख के उसका नानी भी रोने लगी, मतलब क्या हुआ क्या हुआ, तमिल में बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसको समझा रही थी, मतलब मैं डर गई थी बहुत, पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे मैंने क्या कर दिया बच्चे को। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा कोई गलती नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं, खुद ही गिर गया है, बाई मिस्टेक पैर फिसल गया और वो गिर गया। लेकिन वो कुछ समझ नहीं रही थी, वो कुछ बोल रही थी, कुछ बोल रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत नर्वस हो गई, मतलब सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बच्चा को छोड़ के गई थी मेरे भरोसे उसका मम्मी, लेकिन मैं संभाल नहीं पाई, वो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, मैं डर रही थी। उसके बाद मैंने सडन के उसके मम्मी को फ़ोन किया, अर्जुन के मम्मी को, काका जल्दी आ जाओ, अर्जुन ऐसे गिर के उसका हालत बहुत ख़राब है, उसको हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसको। उसका मम्मी सुन के दौड़ दौड़ के आ गए स्कूल से, आके बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैं उसको सारे बातें एक्सप्लेन करने से पहले वो कुछ समझने की हालत में नहीं थी, वो रो रही थी बच्चा को देख के, बच्चा रो रहा था, इतना ब्लीडिंग हो रहा था, उसका मम्मी को सुनने की हालत में नहीं थी। मैं फिर समझाना छोड़ दी मैंने, मुझे वो भी मतलब हिंदी उनको मालूम नहीं है, इंग्लिश में हम दोनों का बात हो जाते हैं, मुझे फ्रिकली इंग्लिश नहीं आता, ये सच्ची है, मैं जस्ट मैनेज कर लेती हूँ, दोनों का हम ऐसे ही बात हो जाता है। और उसका जो हस्बैंड है घर का ओनर, वो अच्छे से हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि वो सारे कंट्री में घूम घूम के जॉब कर चुके हैं, इंडिया के सारे स्टेट में वो जॉब कर चुके हैं, उनको हिंदी अच्छे से मालूम है, उनके साथ अच्छे से बात हो जाता था। लेकिन वो उनका जो मिसेस है उनके साथ हमारे इंग्लिश में बात होती थी। वो फिर क्या किया, वो बच्चा को लेके हॉस्पिटल दौड़ के चली गई। जाने के बाद मैं दिन भर खाना वाना कुछ नहीं खाया, टेंशन के मारे में हस्बैंड को फ़ोन करके बोल दी ऐसे हो गया, अर्जुन को पता नहीं क्या सोचेंगे, आप थोड़ा समझा दो कि मेरा कोई कसूर नहीं है। वो ऐसे ही ऑटोमेटिक गिर गया। वो बोले हम जाने के बाद, घर जाने के बाद हम बात करते हैं। फिर हॉस्पिटल लेके गए, वो उधर जाके फिर अर्जुन को लेके आ गए, वो बैंडेज वगैरह करके वापस लेके आ गए। मुझे मैं दौड़ के गई देख उसको देखने के बाद, वो उसके मम्मी की गोद से मेरे पास दौड़ के आ गया, मतलब फिर जंप करके आ गया, मुझे ले लो, मैंने उसको गोद में लिया तो मुझे मतलब कस के पकड़ के वो रोया, मैं भी वो रोने लगी। फिर वो उनके जो मम्मी थे उनके हस्बैंड को बोले वो थोड़ा रश्मि को समझा दो, वो बहुत डर रही है, दिन भर मैं उसको बता नहीं पाई, वो बहुत डर रही है, मतलब मैं उसके भर से छोड़ के गई थी, वो बच्चा ऐसे हो गया, मैं कुछ सोचूंगी उसके बारे में, उसका कोई गलती नहीं है, अर्जुन खुद ही गिर गया, वो खुद ही बोल रहा है,
वो रश्मि का कोई कसूर नहीं है, उसको थोड़ा समझा दो। फिर उसके हस्बैंड आके मेरे हस्बैंड को बोले ऐसा ऐसा तुम्हारा मिसेज बहुत डर रही है, मतलब कुछ उसके वजह से कुछ हुआ हमारा बेटा को नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है, उसको बोलो डरना नहीं है, मेरा बेटा का तो जान है तुम्हारे मिसेज और उसका जान है मेरा बेटा, पता नहीं दोनों का लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आता, फिर भी दिन भर वो क्या क्या बातें करते हैं मालूम नहीं, दिन भर वो दोनों का एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे करके वो बोले। उसके बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, चलो ठीक है वो मतलब कुछ गलत नहीं सोच रहे, मैं कुछ गलत नहीं की थी लेकिन डर रही थी, पता नहीं मैं समझा नहीं पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मतलब कैसे कैसे हुआ, ऐसे हुआ कैसे हुआ, मैं नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद 5 महीने के बाद हमको वो घर छोड़ना पड़ा, वापस आना पड़ा। वो आने के टाइम में वो बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ मेरे सुबह सुबह होंगे तो फिर मेरे बच्चे ढूंढेंगे। जब हम आए रात को अंधेरा था, हम निकल आए तब उनके बच्चे सो रहे थे, हम एक बार मिलने गए, जाने के टाइम में वो बच्चे सो रहे थे, मैंने एक बार उनको हाथ लगा के आ गई, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मतलब सुबह होगी तो मेरा बेटा दौड़ के जाएगा, सुबह होने से पहले से वो आके डोर नक करता था, बोले वो जाके डोर नक करेगा, आंटी आंटी बुलाएगा, वो पूछेगा मैं उस इतना छोटा है उसको कैसे समझाऊं कि वो चली गई है, वो नहीं आएगी, हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, मत जाओ मत जाओ, ऐसे बोल के बहुत रो रहा था। हम भी बहुत रो रहे थे, बच्चे को छोड़ के आए, तब से 10 साल हो गया, कभी उनसे मिले नहीं है, बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, वो नंबर भी किधर गया मालूम नहीं, वो मोबाइल ख़राब हो चुका है, बहुत मतलब वो बस नाम ही याद है, वो उनका पर्सनल घर है, जाने के लिए कभी मतलब मौका नहीं मिला, लेकिन ज़िंदगी में एक ख्वाहिश है एक बार उससे मिलना है अर्जुन से, तब 3-4 साल का था, अब तो बड़ा हो गया, अब मैं उनको उसको याद ही नहीं होंगी, फिर भी मैं मुझे तो याद है, वो वाला प्यार मुझे याद है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, ये लाइफ का एक ड्रीम है मेरा।